हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2022। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं देंगे तो क्या फिर 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने को मिलेगा या नहीं। तो अमर उजाला पे बड़ा अपडेट सामने आ गया है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 प्री बोर्ड ना देने वाले विद्यार्थी दे सकेंगे 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा या नहीं। आपको बता दें, इसमें पूरा अपडेट दिया हुआ है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी UPMSP के छात्र छात्राओं को मार्च महीने में कराई जाने वाली बोर्ड परीक्षा के पहले प्री बोर्ड एग्जाम में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो बिना प्री बोर्ड ना देने वाले छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा का आयोजन कब से कराया जाएगा इस संबंध में भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अनुमान है कि स्कूलों में फिजिकल क्लासेस शुरू होने के बाद जल्द ही संबंधित विषयों के प्रैक्टिकल की शुरुआत की जा सकती है, जिसके बाद जल्द से जल्द समय सारणी जारी करके बोर्ड परीक्षा की तिथियों का ऐलान किया जा सकता है। इस बारे में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए स्टूडेंट UPMSP की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, प्री बोर्ड की तिथियों की नहीं हुई है अभी कोई भी जानकारी। यूपी बोर्ड ने अभी प्री बोर्ड एग्जाम की तिथियों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद ये है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश बोर्ड की प्री बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का घोषणा हो जाएगा। इन परीक्षाओं का आयोजन इसलिए हो रहा है ताकि छात्र मुख्य परीक्षा के पैटर्न से भली भांति वाकिफ हो जाए। एक समान होगा प्री बोर्ड व बोर्ड एग्जाम का पैटर्न। और अगर आपने प्री बोर्ड एग्जाम नहीं देने की सोची है तो आप ऐसा भूल मत करें, क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम अगर आप नहीं देते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कतें आ सकती हैं और हो सकता है कि आपको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। फिलहाल इस पे कोई निर्देश नहीं आया, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको बताया जाएगा। और ये जानकारी अमर उजाला की तरफ से दी गई है। मीडिया रिपोर्ट में काफी जगहों पे ये जानकारी साझा की गई है, जिसके बारे में आपको अपडेट देना बेहद जरूरी था। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।